दोस्तों लग्जरी स्मार्ट वॉचेस की जब बात आती है ना, तो भाई आपको दो चार स्मार्ट वॉचेस ऐसी लगेगी जो 5000 रुपए के अंदर अगर आप बाय करने का सोच रहे हो ना, तो आपके मन में वो आएंगी। एक है नॉइस की हेलो प्लस, एक है फायरबोल्ट की रॉयल या फिर इनविंसिबल प्लस, और तीसरी जो स्मार्ट वॉच आएगी ना, वो आएगी आपको बोट की नजर, जो की है मेरे हाथ में भी एनिग्मा X700। तो इसीलिए आज इन दोनों स्मार्ट वॉच यानी कि फायरबोल्ट की रॉयल और दूसरी है बोट की एनिग्मा X700, भाई इन दोनों का ना एक कंपैरिजन करते हैं कि ये दोनों स्मार्ट वॉचेस 5000 रुपए के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करती है और क्या ये दोनों वर्थ इट है या फिर नहीं है, इसकी बात करते हैं। और हाँ, इन दोनों स्मार्ट वॉचेस का जो माइक्रोफोन का टेस्ट है ना या फिर स्पीकर का जो टेस्ट है ना, वो मैंने एंड में डाला हुआ है, तो चेकआउट जरूर कर लेना अगर आप बाय करने का सोच रहे हो। तो दोनों लक्स एडिशन वाली स्मार्ट वॉचेस हैं और यहां पर अगर आप देखो ना साइड बाय साइड, तो भाई दोनों राउंड डायल के साथ आती है और तीन बटन सेटअप के साथ भी आते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे ना भाई, चेन का जो स्टाइल है वो मैं बोलूंगा भाई फायरबोल्ट में डेफिनेटली एक एज मिल जाता है। यहां पर जो चेन स्टाइल है वो मेरे को बढ़िया लगी। इवन अगर आप बोट की भी देखोगे ना, वहां पर भी अच्छी, लेकिन अगर आप दोनों में कंपेयर करो, यहां पर भाई जीत जाती है फायरबोल्ट की वाली स्मार्ट वॉच। और हाँ, अगर मैं वेट की बात करूँ ना, तो फायरबोल्ट की जो वॉच है थोड़ी सी लाइट वेट मिलेगी, जबकि जो बोट की वॉच है ना भाई थोड़ी सी बड़ी भी है, हैवी भी है और भाई वेट भी ज्यादा देखने को मिलेगा। जब आप वियर करोगे ना, तो कंफर्टेबल भी मैं कहूंगा कि फायरबोल्ट की ज्यादा रहेगी, क्योंकि बोट की जो स्मार्ट वॉच है वो ब्रॉड रिस्ट पे ज्यादा बढ़िया लगेगी। अगर आपकी रिस्ट मेरी जैसी पतली है फिर नॉर्मल है, तो भाई बहुत ज्यादा बल्की लगती है वाली स्मार्ट वॉच। अब ये वाली जो स्मार्ट वॉच है ना बोट की, मैंने भाई ऑर्डर करी थी इसका ब्लैक कलर देखने के बाद, और जो दूसरा कलर और था ना भाई गोल्डन टच के अंदर, भाई मुझे लगा था काफी अट्रैक्टिव सी लगेगी, लेकिन सिंपली बताऊं भाई, जब मेरे सामने ये कलर और कॉम्बिनेशन आया ना, मुझे डेफिनेटली बता रहा हूं भाई ये कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे बढ़िया सिल्वर या फिर ब्लू के अंदर जो वॉच थी ना, वो ज्यादा बेटर लग रही थी। अगर मैं बात करूं दोनों की डिस्प्ले के बारे में, तो भाई यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक तरफ तो बहुत बड़ी डिस्प्ले मिलती है, लेकिन एक तरफ भाई फीचर इतने तगड़े तगड़े, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बोट के अंदर भाई बड़ी डिस्प्ले मिलती है 1.52 इंचेस की, 4x4x4 का यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है। साथ में पीक ब्राइटनेस आती है 600। अब ये पीक ब्राइटनेस है, नॉर्मली नहीं है, और इसके साथ यहाँ पर आपको कोई हर्ट्ज नहीं दे रखा, लेकिन मैं यूज कर रहा था ना, यहाँ पर लगभग 50 हर्ट्ज के आसपास डिस्प्ले काम करती है इसकी, जो कि अमूमन इस बजट के अंदर लगभग आपको स्मार्ट वॉचेस के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन रॉयल के अंदर भाई कुछ स्पेशल चीजें, जैसे कि यहां पर भी आपको डिस्प्ले एमोलेड मिलती है, लेकिन साइज थोड़ा छोटा 1.43 इंचेस का है, लेकिन यहां पर आपको ब्राइटनेस 750 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, नॉर्मली नहीं है वो भी, और यहां पर आपको जो हर्ट्ज है ना वो मिलती है 75 हर्ट्ज। तो इसकी वजह से जो स्मूथनेस है ना डिस्प्ले की, टच करने के अंदर, फील करने के अंदर, यूज करने में भाई आपको डिफरेंट या फिर थोड़ी सी फास्ट लग सकती है अगर आप बोट से कंपेयर कर रहे हो। इवन यहां पर छोटी डिस्प्ले है, लेकिन रेजोल्यूशन वही है जो बोट के अंदर है, 4x4x4, तो यहां पर थोड़ी सी क्रिस्प लगती है डिस्प्ले। वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन हाँ छोटी डिस्प्ले, रेजोल्यूशन वही है, तो थोड़ी सी क्रिस्पनेस यहाँ पर मिल जाती है और शार्पनेस। अब टच एंड यूआई की बात कर लेते हैं। जब यहाँ पर आपको 75 हर्ट्ज मिल जाता है, तो भाई टच रिस्पॉन्स ऑब्वियसली बात है फायरबोल्ट के अंदर ज्यादा बेटर आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन यूआई की बात करना जरूरी है। अब यूआई की अगर बात करूं, तो बोट के अंदर भाई अपना डिफरेंट यूआई आता था। अभी तक मैंने जितनी स्मार्ट वॉचेस बोट की रिव्यू करी है, भाई एक अलग ही यूआई मिलता था, लेकिन भाई पता नहीं इस वाली वॉच के अंदर ऐसा यूआई लग रहा है जैसे पेबल के अंदर आता है, या फिर कल्ट स्पोर्ट्स वाली जो वॉचेस आती हैं, या फिर बीट एक्सपी की जो वॉचेस आती है ना, वैसा कुछ यूआई यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब मुझे ऐसा लगा नहीं कि भाई बोट का खुद का यूआई है, तो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा लगा। वैसे तो कलरफुल है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इजी है मतलब यूज करने के लिए, ऊपर से कंट्रोल सेंटर खुलता है, लेफ्ट राइट आपको ऑप्शन दिख जाते हैं, वही सारा जो पैनल है वो मिल जाता है, लेकिन लगता नहीं कि बोट का खुद का है। जबकि अगर फायरबोल्ट की अगर बात करोगे, तो भाई इनकी जितनी भी प्रीमियम स्मार्ट वॉचेज आते हैं, सब में यही यूआई देखने को मिलता है। जो 3-4 या फिर 5 हज़ार के आसपास आती है ना वॉच, उसमें सेम यही यूआई मिलता है, जहां पर ये कलरफुल है, कस्टमाइजेशन आपको भर भर के मिल जाती है, और बहुत ज्यादा लोडेड भी नहीं है, तो आराम से यूआई काम करता है यहाँ पर। बाकी इन दोनों की जो प्राइसिंग है ना, लगभग 4400-4500 रुपए के आसपास है, लेकिन क्या क्या फीचर लोडेड है ना, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं फायरबोल्ट को पकड़ लेता हूं, भाई इसके अंदर तगड़े तगड़े और भर भर के फीचर दे रखे हैं, इसी बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, यहां पर आपको 4GB इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप सॉन्ग वगैरह ऐड कर सकते हो। TWS कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने ईयरबड्स को कनेक्ट करा सकते हो। तीसरा ऑप्शन यहां पर इसका जो क्राउन है, उससे आप 100 से ज्यादा यानी कि 130 जो वॉच फीस है ना वो चेंज कर सकते हो, इनबिल्ट इसके अंदर आते हैं। कॉन्टैक्ट यहाँ पर अपने फोन के सारे इसके अंदर उठा के डाल सकते हो, चाहे 1000 कॉन्टैक्ट्स हो आराम से इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पर AOD के वॉच फीस लगभग 2-3 होते हैं, लेकिन इसके अंदर 10 मिल जाते हैं, वो भी कलरफुल, आप उन्हें भी चेंज कर सकते हो। 300 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड आते हैं इसके अंदर, तो भाई आप लिटरली बता रहे हो कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलते हो वो आप ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ साथ अब इस वॉच में मोशन सेंसिंग गेमिंग भी आती है, यानी कि अगर आप किसी बच्चे वगैरह को देना चाहते हो टाइम पास के लिए, तो आप ना टीवी पे भी गेम खेल सकते हो, ये ऑप्शन आता है इसके अंदर। और यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो आता है 380 mAh का, लेकिन मैं बहुत दिन से यूज कर चुका हूँ, तो अगर आप नॉर्मली यूज करते हो ना इस वॉच को,
जैसे कॉलिंग का कभी कभी यूज़ कर लिया, थोड़ा बहुत वॉच फेसिस को चेंज वेंज कर लिया, या फिर यहाँ पर आपने HR मॉनिटरिंग नाप ली, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, तो भाई 2 से 3 दिन आराम से चल जाती है फिर भी। बाकी बोट के अंदर भी कुछ फीचर आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अब वो वाले फीचर तो नहीं है जो उसके अंदर स्पेशली थे फायरबोल्ट वाली वॉच के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको AOD की वॉच फेसिस मिलेंगे, लेकिन 2 मिलेंगे, और यहाँ पर ना भाई इनबिल्ट जो है ना वॉच फेसिस आई थिंक 6 या 7 आपको मिलेंगे, वो बाकी आपको ऐप से कंट्रोल करने पड़ेंगे। और वहीं अगर बैटरी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 390 mAh की बैटरी मिलती है। हाँ, अब ये जरूर बोलूंगा भाई, यहाँ पर जो बैटरी आउटपुट है स्पेशली बोलूंगा कि भाई आउटपुट थोड़ा सा बढ़िया मिलता है फायरबोल्ट के मुकाबले। यहाँ पर ना आपको अगर ये 3 दिन चलती है ना रॉयल, तो ये भाई 4 दिन आपको आउटपुट दे जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी बैकअप, थोड़ा सा बोलूंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों वॉचेस IP67 वाटर रेटिंग के साथ आती हैं, तो पानी वगैरह से कोई भी दिक्कत नहीं। और हाँ, दोनों ही वॉचेस के क्राउन जो है वो फंक्शनल मिल जाते हैं आपको। बाकी अगर बात करूँ ना, दोनों ही जो वॉचेस हैं ये अपनी अपनी ऐप के साथ आती हैं। जैसे कि यहाँ पर फायरबोल्ट की जो ऐप है वो है FB इनविंसिबल प्लस, जहाँ पर भाई काफ़ी हद तक मतलब ऑप्टिमाइज वाली जो वॉच है या फिर जो चीज़ें उसके अंदर यूज होती है, जैसे कि आप अपने वॉच से चेंज कर सकते हो, मोशन गेमिंग को ऐड कर सकते हो, इनबिल्ट जो गेमिंग है इसके अंदर, भाई गेमिंग भी आती है इसके अंदर नहीं है, वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड है उनको आप कम ज्यादा कर सकते हो, कॉन्टैक्ट तो भाई आपको सेव करने की जरूरत भी नहीं है, बस सिंक करनी है अपने वॉच हो जाते हैं। तो ये सारे फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर बोट की बात करूँ तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी मुझे मिस्टेक जो लग रही थी ना, वो थी इसके वॉच फेसेस की। यहाँ पर मैंने अपना वॉच फेस ऐड करा और यहाँ पर आप देखोगे मेरे मुंह के ऊपर वो टाइम लिखा रहा है। अब मैं उसे हटाना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, भाई उसका जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है वो ऐप के अंदर है ही नहीं। साथ में आपको जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो आपको ऐप से करने पड़ेंगे, सिंक नहीं होते यहाँ पर। तो अभी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है बोट के अंदर। आई नो काफी लोगों को अब लग चुका होगा कि भाई ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्पॉन्सर्ड लग रही है या फिर फायरबोल्ट की तरफ मैं ज्यादा बायस हूँ। लेकिन अगर आप सीरियसली देखोगे ना, ये जो वॉच है 4-5 हज़ार रुपये के अंदर आ रही है, और इसमें सच में बता रहा हूँ बस इसकी बड़े डायल और ये जो स्टील फ्रेम है इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस वॉच के अंदर। और आई डोंट नो भाई क्यों इतने पैसे चार्ज कर जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें देखते हैं कि भाई बोट के अंदर क्या स्पेशल चीज है। बाकी अगर देखो सेंसर्स की बात करूं जो हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए यहां पर आपको पीछे मिल जाते हैं, तो देखो दोनों ही लक्स एडिशन वाली स्मार्ट वॉचेस हैं। और मैं किसी को भी नहीं बोल रहा कि इसकी ज्यादा बेटर है या फिर इसकी ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो एकदम टाइट नहीं पहनते इस तरह की जो स्मार्ट वॉचेस है लोग, तो वहां पर जो भाई सेंसर्स है ना वो इतने अच्छे तरीके ट्रैक नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हमने यहां पर भाई ट्रैक कराया लोगों के कि भाई कैसा ऑप्शन मिल जाते हैं या फिर कैसे यहाँ पर जो रीडिंग्स है वो आती है। तो आप देखोगे साइड बाय साइड भाई दोनों के जो आउटपुट है लगभग सेम मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा इस तरह की जो दोनों स्मार्ट वॉचेज हैं। बाकी लास्ट में मैंने बोला था भाई कॉलिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के डाला हुआ है, तो भाई यहाँ पर आप सुन के जाओ कॉलिंग का एक्सपीरियंस कैसे काम करता है दोनों स्मार्ट वॉचेज में, फिर मुझे बताना। बाकी ये है इसके माइक्रोफोन का आउटपुट, ये बोट की स्मार्ट वॉच है, इसका जो माइक्रोफोन का आउटपुट ऐसा काम करता है। तो यहाँ पर ना भाई इसका आउटपुट आपको पता लग गया, और देखो इतनी पास से बात कर रहा हूँ, सेम यही आउटपुट हम आजमाते हैं फायरबोल्ट के अंदर और फिर देखते हैं कितना कंपैरिजन आता है दोनों की कॉलिंग आउटपुट में। एंड बाकी ये है फायरबोल्ट की इस स्मार्ट वॉच का माइक्रोफोन का आउटपुट, यहाँ पर मैंने एक कॉल प्लेस कर रखी है, उतनी ही पास से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर ना आपको दोनों में डिफरेंस पता लग गया कि आउटपुट कैसा आता है अगर मैं बोट से बात करूं या फिर। तो बात करते हैं कंक्लूजन की, भाई ये दोनों स्मार्ट वॉचेस लगभग 5,000 रुपए के अंदर आते हैं, लेकिन अगर आप फीचर वाइज मुझसे पूछोगे, लुक वाइज मुझसे पूछोगे, तो डेफिनेटली बोलूंगा भाई फायरबोल्ट की तरफ जाना, यहाँ पर आपको लुक्स अच्छी मिल जाती है। अब जरूरी नहीं आपको ये गोल्डन कलर आपको पसंद आ रहा, भाई इसमें सिल्वर ब्लू ब्लैक भी आता है, वो आप जा सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर भाई वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली मिलती है, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पर आपको कॉलिंग का फीचर मिल जाता है, यहाँ पर इसके जो सेंसर वो ढंग से काम करते हैं, स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, 4GB का TWS कनेक्शन है, इनबिल्ट यहाँ पर वॉच फीचर है, बहुत तगड़े तगड़े फीचर है, और वाटरप्रूफ भी, और लुक्स भी काफी बढ़िया है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखो भाई लुक्स अच्छी मिल जाती है, बड़े डायल वाली है तो हर किसी के हाथ पे फिट नहीं बैठेगी, क्राउन फंक्शनल है, बैटरी अच्छी चल जाती है, लेकिन जो इसमें स्पेशल फीचर मिले थे वो नहीं मिलते, दैट्स इट। यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग है मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओवर प्राइस है, आई थिंक इसकी जो प्राइसिंग होनी चाहिए वो 2800-2900-3000 के नीचे होनी चाहिए, तब ये जाके वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच बन सकती है। लेकिन अभी इसकी जो प्राइसिंग है 4700 रुपये, कभी 4300 रुपये रहती है, तो वहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, क्या ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर ये ज़्यादा ओवर हाइप वॉच है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये वीडियो पर खत्म कर रहा हूँ, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।